ये इस साइड गिर गया, क्लच टूट गया है, इससे तेरा हुआ है। ओहो यहाँ पे भी आया है, ये टूट गया है, देखो ये यहाँ पे जो है नंबर प्रिंट करके लगा दो। भैया क्लच का काम करके दे रहे हैं, मतलब परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ये। 5291 9 पीछे आ गया है, 1 सामने आ गया है, नेल जो है वो अंदर चला गया है बाइक का टायर का। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज केतन, वेलकम बैक टू माई व्लॉग। गाइज ये व्लॉग अपलोड होने वाला है कल, एंड कल है सरस्वती पूजा, तो हैप्पी सरस्वती पूजा टू ऑल ऑफ यू लेडीज एंड जेंटलमैन। अभी का सीन कुछ ऐसा है, मैं चाहूंगा आज बाइक पे एक छोटा मोटा काम करवा रहे, क्योंकि कल मैंने बाइक का एक एक्सीडेंट कर दिया। अब एक्सीडेंट कैसा क्या है क्या नहीं वो तो खैर मैं आपको नीचे जाके ही बताता हूँ। तो अभी फिलहाल मैं रेडियो जाता हूँ, रेडियो के नीचे चलता हूँ, जाके आपको मैं बाइक दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैंने बाइक बाहर निकाल लिया है, एंड कल एक्चुअली मैं बाइक बाहर निकाला था, उसके बाद घर पहुँचने के बाद मैंने सोचा कि चलो क्यों ना व्हील्स को एक बारी पॉलिश कर लिया जाए, क्योंकि व्हील्स थोड़ा बहुत गंदा हो गया, ये देखो अभी भी गंदा ही है। तो इसलिए मैंने जी रोलर पे चला दिया था बाइक को, चला के स्टार्ट दे दिया था, स्टार्ट देके मैं साफ कर रहा था और बाइक क्या हुआ, जी रोलर से उतर गया, अचानक उतर के ये इस साइड गिर गया। गिरने के बाद लाइक इसका क्लच जो है क्लच टूट गया है, ये और भी लंबा हुआ करता था लेकिन टूट के ये आधा हो गया है। साइड पे तो कोई ऐसा डैमेज आया नहीं है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, और ये शायद से तेरा हुआ है थोड़ा बहुत। ओहो यहाँ पे भी आया है, रैप उतर गया है यहाँ का, थोड़ा गियर चेंजिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, पर कोई नहीं, चलो चलते हैं देखते हैं क्या क्या काम। मेरे को सबसे पहले इसका जुगाड़ करना पड़ेगा, नहीं तो ये यहाँ पे हाथ लगने से कट जाएगा पूरा, तो उसका जुगाड़ सबसे पहले करते हैं। तो गाइस वैसे तो मैं निकल गया हूँ, एंड गियर शिफ्टिंग में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि ये तेरा हो गया ना इसलिए। एंड वैसे गाइस मैं हॉस्पिटल रोड अपना मैकेनिक के पास जा रहा हूँ, वहाँ पे जाकर कुछ जुगाड़ कर लूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास ये चेंज करने का मन नहीं है, ये मैं चेंज करूँगा और कुछ महीनों बाद क्लच लीवर जो है, क्योंकि बजट का भी एक इशू आता है। अब हम उतना हाई फाई कुछ कमाते नहीं है, थोड़ा बहुत ही कमाते हैं, तो जितना कमाते हैं उसी में से खर्चा निकालना पड़ता है, इसीलिए चलते हैं। ओ भाई साहब जाम देख रहे हो, बाप रे बाप रे बाप, आज इतना जाम क्यों है बॉस। तो यहाँ पे एक जुगाड़ हम लोगों ने निकाल दिया, इस एरिया को जो है हम लोग क्या करेंगे घिस घिस के, ये बहुत शार्प होकर रखा है, तो शार्प एरिया पे थोड़ा हम लोग घिस देंगे, तो उससे हाथ वट काटने का और डर नहीं रहेगा। और वैसे तो अभी हम निकलते हैं, भैया बिजी है यहाँ पे, तो थोड़ी देर बाद आएंगे काम करवाने, अभी मेरा एक और काम है, वो काम मैं कम्प्लीट करके आता हूँ। ओ भाई साहब जाम देख रहे हो, होली स्मोक्स मैन। एनीवेज गाइस मैंने आपको बताया नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, अभी फिलहाल जा रहा हूँ सलाम भाई का दुकान पे, बाइक का एक छोटा मोटा काम करवाना है रैपिंग का रिलेटेड, तो क्या काम है क्या नहीं वो तो खैर मैं आपको जाके ही बताता हूँ। देख ओ भाई टर्निंग एंड कट जो भी है ना वो सब थोड़ा धीरे लेना चाहिए, उन सब जगहों पे स्पीड नहीं। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं सलाम भाई का दुकान पे, सलाम भाई गुड मॉर्निंग। तो काम क्या है मैं आपको बताता हूँ, आ जाओ मैं बताता हूँ काम क्या है। नंबर प्लेट वहाँ पे मैंने लगा दिया है, तो दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे जो है नंबर प्रिंट करके लगा दूँ। तो गाइस बाइक का काम हो गया कंप्लीट, रैपिंग का सारा, तो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ इस क्लच का काम निपटाने के लिए, जो जुगाड़ मैंने बोला था मैं जुगाड़ लगाऊंगा। अब यहाँ पे तो हैवी जाम लगा हुआ है भाई साहब, चलो रास्ता मिल गया, सही बात है, अभी पुलिस लगा दिया है, पहले पुलिस ही नहीं था। तो गाइस यहाँ पे अभी हम लोग आ गए भैया का दुकान पे, यहाँ पे भैया क्लच का काम करके दे रहे हैं, काम चला हुआ है ना, मतलब परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ये, मैं पकड़ के रखता हूँ आप करो, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मतलब हाथ उधर ना कटे। हाँ अभी ठीक है, हाँ मतलब हाथ उत कटने का कोई चांस नहीं है, वही चाहिए था मेरे को, हो जाएगा चलो। तो गाइस वैसे तो हमारा बाइक का सारा काम हो गया है कम्प्लीट, ओह शिट 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 एक काम बच गया है, मुझे नंबर प्लेट का गार्ड लगाना है पीछे का, वो जो टूट गया था, तो अभी मुझे वापस से जाना पड़ेगा हॉस्पिटल रोड। आए है चलो तो फिर दोबारा चलते हैं हॉस्पिटल रोड, आज सोचा कि बाइक का सारा काम कम्प्लीट करके घर जाऊंगा। वैसे गाइस आज मैं अपना गोप्रो का जो है स्टेबिलिटी 2.0 पे नहीं दिया है, वो जस्ट नॉर्मल से स्टेबिलिटी पे देके रखा है, तो लाइक आज थोड़ा ज्यादा वाइड हो रहा है, पर स्टेबिलिटी का तो मुझे अभी पता नहीं, मैं तो घर जाके एडिट करते समय देखूंगा। वैसे आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट पे बताना कि ये एंगल और ये स्टेबिलिटी सही है, या फिर आपको वो पहले वाला स्टेबिलिटी चाहिए जो मैं पहले यूज करता था, पर आई गेस अभी का जो एंगल है वो ज्यादा सूट कर रहा होगा, मतलब ज्यादा अपीलिंग होगा, आप कमेंट पे बताओ अभी का वाला ठीक है या फिर पहले का ठीक है, बस एक ही चीज मैं कमेंट पे जानना चाहता हूं। गाइस मैं जिस गार्ड के बारे में बोल रहा था वो ये वाला गार्ड है, ये टूट गया है देखो, ये किसी ने तोड़ के चला गया है, अभी ये वाला हम लोग रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे, वैसे पूछ के आते एक बार दिखाओ, हाँ यही होगा, नीचे से घुसा दो, हाँ बस हो गया, तेरा हो रहा है ये, तेरा आ रहा है। हाँ तो भाई साहब बाइक का सारा काम हो गया है कम्प्लीट, ये काम भी हो गया है, अपना सामने का नंबर प्लेट का काम भी हो गया है, और क्लच का काम भी हो गया है, नाउ आई कैन हैप्पीली गो होम, चलते तो फिर, बाय बाय। हाँ
रोज देखते हो? अरे भाई थोड़ा हेल्प करो ग्रो करने में। अच्छा अच्छा ठीक है चलो चलता हूँ, तो फिर कल आप आओगे मेरे व्लॉग पे। चलो हाँ हाँ। ओ शिट पैर पे गोबर लग गया है। मैं बिना देख के गोबर पे पैर मार दिया। अरे भाई व्हाइट शू है भाई, व्हाइट शू है, मत लग। चलो कोई नहीं, इतना थोड़ा थोड़ा तो लगेगा ही। ऐसे बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं तो बहुत पहले ही पहुंच गया था घर, एंड उसके बाद आई वाज लाइक चेकिंग माय सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड ऑल। सब्सक्राइबर्स लगभग हो गया है 6096, तो चार बाकी है, 6.1K हो जाएगा। एंड अभी मैं सोच रहा हूँ कि कल है सरस्वती पूजा, तो क्यों ना थोड़ा बाल वाल को सेट किया जाए। तो फिलहाल तो मैं चलता हूँ, बाल वाल काट के आता हूँ, अपना बियर्ड्स वगैरह भी थोड़ा सेट करके आता हूँ। तो गाइज सुंदर केतन इन योर स्क्रीन इन जस्ट 3, 2, 1। तो कैसा लग रहा हो हमें कमेंट पे जरूर बताना। वैसे तो गाइज एक बहुत बड़ा लोचा हो गया है। अब लोचा क्या हुआ है वो तो खैर मैं आपको नीचे अपना गैरेज पे जाके ही बताता हूँ। वैसे गाइज मैं रेडी वेडी होके नीचे आ गया हूँ। मैं आपको बता रहा था बाइक में मैंने एक गलती कर लिया, वो गलती क्या है सबसे पहले आप वो चेक कीजिए। तो गाइज दिस इज माय बाइक एंड यहाँ पे AS11V5219 और रियल नंबर है 5291। तो लाइक 9 पीछे आ गया है, 1 सामने आ गया। ये यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, तो इसी मिस्टेक को अभी हम लोग सुधारने जा रहे हैं सलाम भाई के दुकान पे वापस से। उसको अभी तक मैंने कॉल नहीं किया, मैं बाहर निकलता हूँ, निकल के उसे कॉल करता हूँ। और वैसे यहाँ पे KTM एडवेंचर 390, बजाज एवेंजर 220, MT15 और पीछे अपना छोटा छोटा भाई लोग। तो वैसे तो गाइस मैं निकल गया हूँ बाहर, रास्तों पर आ गया हूँ एंड वेदर को देख के तो लग रहा है कि बारिश आ जाएगा। तो लाइक मैं बारिश आने से पहले ही घर जाने का कोशिश करूंगा। फिलहाल तो अभी मैं जा रहा हूँ रांगेरखाड़ी पेट्रोल पंप, क्योंकि शायद से मेरा बाइक रिजर्व पे लग चुका है। थोड़ी देर पहले ये ब्लिंक करा था, अभी तो फिलहाल ठीक है, फ्यूल अप करते हैं। उसके बाद सलाम भाई को भी फोन करूंगा, पूछ लूंगा, वो अगर दुकान में रहा तो काम आज ही निपटा लेंगे इसका, नहीं तो दे दीज अ वेरी रिस्की चीज है ना, पुलिस अगर पकड़ लिया तो आपको क्रिमिनल का केस में डाल देगा। यहाँ पे भैया है, भैया पेट्रोल डाल देंगे, ऑटो का लाइन पे है ना, जल्दी हो जाएगा हमारा काम। ये काम नहीं करता क्या? खराब है। अच्छा वो पुराना बाइक से क्या था? एवेंजर। हाँ तो गाइज मैं आपको बता दूँ, ये जो भैया है इनके साथ मैंने एक बार प्रैंक भी किया था, उसके बाद से हम लोग जान पहचान का हो गए। जब भी आता हूँ भैया मुझे लाइन करके जल्दी पेट्रोल भर के दे देते। चलो थैंक यू। अरे हाय हाय, फुल टैंक ऐसा नहीं है गाइज, ऊपर में बहुत सारा जगह बाकी है, फुल टैंक अभी भी नहीं हुआ है, पर यहाँ पे फुल टैंक दिखा रहा है, वही है दिल का सेटिस्फेक्शन। चलो ट्रिप मीटर लगा जाता हूँ, कितना किलोमीटर चलता है वो तो खैर देखा जाए एक बार। जीरो कर दिया, देखते 500 रुपए का तेल कितना दिन चलता है, कितना किलोमीटर चलता है। वैसे तो गाइज बारिश का मौसम होके रखा है, बारिश कभी भी आ सकता है। बारिश आ गया तो भाई मैं सीधा जाने वाला हूँ घर को, बिकॉज बारिश में मुझे भीगने का बिल्कुल भी मन नहीं है एंड बाइक को भी भिगाने का मन नहीं है। वैसे गाइस बारिश थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है, मेरा बाइक में आप देख ही सकते हो, एंड आई एम रशिंग टुवर्ड्स होम। वैसे सलाम भाई भी दुकान पे नहीं है। भाई साहब बारिश में नहीं भीगना है भाई साहब, प्लीज प्लीज प्लीज। तो गाइस सेफली रीच्ड होम, बारिश में ज्यादा भीगा हुआ नहीं है बाइक। अभी बाइक में थोड़ा बहुत पॉलिश वॉलिश मारूंगा, मार के बाइक को रख दूंगा घर पर। तो गाइस अभी मैं बाइक में मार रहा था पॉलिश और देखो क्या दिख गया मुझे, मैं अच्छे से मोबाइल से दिखाता हूँ। यहाँ पे एक नेल जो है वो अंदर चला गया बाइक का टायर का। अभी अगर मैं इसे निकाल दिया तो सारा हवा निकल जाने वाला है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे लेके थोड़ी देर बाद जब टाइम मिलेगा मुझे तब मैं लेके निकलने वाला हूँ बाइक को, जाके इस पंचर को ठीक करवा के लाने वाला हूँ। वैसे एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ये ज़्यादा डीप है कि नहीं, पूरा अंदर तक गया है, बस निकलते ही सारा पंप इसका निकल जाएगा। गाइस वैसे तो मैं अभी निकल जाने वाला था अपना बाइक का पंचर ठीक करवाने के लिए, पर बाहर जो है बहुत ही भयानक सा बारिश, तूफान वाला बारिश आ गया है एंड मैं लकी हूँ कि मैं नहीं निकला हूँ बाहर। अभी फिलहाल मैं ऊपर आ गया हूँ एंड आपने तो बाहर देख ही लिया कितना हैवी रेनफॉल हो रहा है एंड न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि कल सरस्वती पूजा के दिन रेनी वाला वेदर होके रहने वाला है। तो लाइक लेट्स होप फॉर दी बेस्ट कि कल कोई बारिश वारिश का सीन ना हो, तो हम लोग अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। एक्सप्लोर किया दोस्तों के साथ ना वगैरह मीटअप एंड ऑल, बहुत दिनों बाद मीटअप होने वाला है, तो आई एम रियली वेरी मच एक्साइटेड। सो लेट्स होप फॉर दी बेस्ट। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपका छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले व्लॉग में। दिस इज केतन साइनिंग आउट फ्रॉम कभी व्लॉग सिलचर।